अब उनके बेटे कह रहे हैं वापस आएंगी इलेक्शन से पहले हसीना वाजिद. All the rumors about her applying for visas or asylum, none of those are true. What she really wants is to eventually go back to Bangladesh. हसीना के बेटे साजिब वाजिद ने ये कहा है कि उनकी मदर बांग्लादेश वापस जाएंगी. लेकिन उन्होंने वजीर आजम बनते ही जो सबसे बड़ा बयान दिया वो सुना आपने क्या? कि भारत के अगेंस्ट बयान देना शुरू कर दिया कि भारत ने जो है सीना वाजिद को पनाह क्यों दी और उनके लिए इतने आसान रास्ते क्यों बना दिए. माय पर्सनल ग्रेटिट्यूड टू प्राइम मिनिस्टर मोदी फॉर हिज गवर्नमेंट्स क्विक एक्शन इन सेविंग माय मदर्स लाइफ, दैट इज आई एम इटर्नली ग्रेटफुल टू. शेख हसीना इस वक्त इंडिया में है. पहले तो टोयोटा ने कहा था कि हम अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को यहाँ से शट डाउन कर लेंगे. अब पार्क सुजुकी मोटर्स की तरफ से एक स्टेटमेंट आ रही है कि 45 दिन से हमारी सीकेडी किट्स यानी कम्प्लीटली नॉकडाउन किट्स को क्लियरेंस नहीं मिली है, तो हम कराची में मौजूद अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को प्रॉपरली शट डाउन कर देंगे. बांग्लादेश से जहां सड़कों पर उतरे हैं हिंदू संगठन, बड़ी संख्या में हिंदुओं ने प्रदर्शन किया है. प्रदर्शन के दौरान हरे राम हरे कृष्णा के जयकारे भी लगाए गए हैं. लाखों की तादाद में हिंदुओं को बांग्लादेश की सड़कों पर देख टांगे कांपने लगी जिहादियों की. डर ऐसा कि एक भी जिहादी सामने नहीं आया. खुद बांग्लादेश के नए पीएम मोहम्मद यूनिस को सामने आकर रहम की भीख मांगनी पड़ी. ताले निश्चित करें ये देश कौन जगह है कार ऊपर हमला हो. इधर जो हम करते ना पारि এটা আমার কথা যদি না শুনেন আপনারা তাহলে আমার প্রয়োজন এখানে নাই. আমাকে বিদায় দেন, আমি আমার কাজে থাকি সেখানে. মোহাম্মদ ইউনূস নে কাহা কি দুসরি সুরত মে মেরা কাম করনা মুশকিল হো জায়েগা. उन्होंने कहा कि अगर अकलियतों पर हमले बंद ना हुए तो मैं ओहदा छोड़ दूंगा. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डायरेक्ट बांग्लादेश के निगरान वजीर आजम मोहम्मद यूनस को वार्न कर दिया है कि वो बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं की सेफ्टी को एंश्योर करे. बांग्लादेश जितना डिपेंडेंट है इंडिया के ऊपर हम तो ये सोच भी नहीं सकते. तो जाहिर है कि शेख हसीना के पीछे फिर भारत की जो एक स्ट्रेंथ है वो होगी. शेख हसीना रिटर्न्स वुड बी जस्ट लाइक मम्मी रिटर्न्स. शायद कोई एक अदृश्य फोर्स थी जो चाहती थी कि शेख हसीना गवर्नमेंट में आए, क्योंकि उनको वो ये जानते हैं कि जो कुछ उन्होंने शेख हसीना को आउट करने के लिए वहां पर किया है तो वो तो उसका बदला चुन चुन के लेंगी और फिर कौन कौन लोगों को और फांसियां होंगी. इसके अंदर एक और चीज भी है, क्योंकि वो मौजूद हैं भारत में, तो देखिए भारत के अंदर मौजूद है तो भारत भी अब अपनी स्ट्रेटेजी बना चुका होगा. भारत के सबसे पक्के दोस्त इसराइल ने बांग्लादेश की कट्टरता को पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज करके रख दिया है. अगर इसराइल बात करता है हिंदुओं के बारे में या इंडिया के बारे में तो वो एलाई हैं उनके. शेख हसीना बांग्लादेश वापस जाएंगी, तो जो वहां पर सेंटीमेंट नजर आ रहा था वो शेख हसीना और उनकी फैमिली के लिए बहुत शॉकिंग था. तो उस वक्त शायद गुस्से में आकर भी, इमोशंस में आकर भी उन्होंने ये कहा कि बस अब ठीक है, ये एहसान फरामोश कौम है, तो वापस कभी भी नहीं जाएंगी शेख हसीना. बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे जोएब अजेब ने कहा है कि शेख हसीना अभी वापस चुनाव के समय बांग्लादेश लौटेगी. अभी बांग्लादेश में अंतरिम केयरटेकर सरकार है और जब वो चुनाव की घोषणा करेगी तो शेख हसीना वापस बांग्लादेश लौट जाएंगी. उन्होंने ये साफ नहीं किया है कि बांग्लादेश में अभी चुनाव कब होंगे और यह भी नहीं बताया है कि शेख हसीना चुनाव लड़ेंगी या नहीं. शेख हसीना किसी और देश में अभी शरण नहीं लेगी, उन्होंने ये ज़रूर बताया है. बांग्लादेश में फिर लौटेगी और फिलहाल तो शेख हसीना भारत में ही रहेगी. उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी का भी शुक्रिया कहा है कि उनकी मां की जान बचाने के लिए मैं मोदी का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने बहुत कम समय में भारत आने की इजाज़त दी. बांग्लादेश में शेख हसीना की हत्या हो सकती थी. शेख हसीना के बेटे ने कहा कि आवामी लोगों और कार्यकर्ताओं पर हमलों के बाद मेरा भी नज़रिया बदल गया है. मैं भी देश के लिए कुछ करना चाहता हूं और देश की खातिर एक राजनीति में उतरना मुझे भी होगा. गुस्से में आकर भी, इमोशंस में आकर भी उन्होंने कहा कि बस अब ठीक है, ये एहसान फरामोश कौम है, तो वापस कभी भी नहीं जाएंगी शेख हसीना. ये क्या किया साउथ एशिया का, अगर एक इंडिया के बाद कोई एक कंट्री पनप रहा था, फूल रहा था और उसकी तरक्की हो रही थी तो उसको भी आग लगा दी गई. इस वजह से लोगों में गम गुस्सा है, वरना बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका शेख हसीना के साथ कोई पर्सनल जो है वो कोई नहीं है हमदर्दी, लेकिन वो देख रहे हैं. समझबूझ वाले लोग कह रहे हैं कि ये क्या किया. शेख हसीना रिटर्न्स वुड बी जस्ट लाइक मम्मी रिटर्न्स.
फॉर अदर पार्टीज, वहाँ पर जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके लिए शेख हसीना का रिटर्न एक मम्मी रिटर्न जैसे सिचुएशन होगी, क्योंकि उनको वो ये जानते हैं कि जो कुछ उन्होंने शेख हसीना को आउट करने के लिए वहां पर किया है तो वो तो उसका बदला चुन चुन। जहां सड़कों पर उतरे हैं हिंदू संगठन, बड़ी संख्या में हिंदुओं ने प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के दौरान हरे राम हरे कृष्णा के जयकारे भी लगाए गए हैं। लाखों की तादाद में हिंदुओं को बांग्लादेश की सड़कों पर देख टांगे कांपने लगी जिहादियों की। डर ऐसा कि एक भी जिहादी सामने नहीं आया। खुद बांग्लादेश के नए पीएम मोहम्मद यूनिस को सामने आकर रहम की भीख मांगनी पड़ी। তাহলে নিশ্চিত করেন যে দেশে কোন জায়গায় কার উপর হামলা হবে। এটা যদি আমি করতে না পারি, এটা আমার কথা যদি না শুনেন আপনারা, তাহলে আমার প্রয়োজন এখানে নাই। আমাকে বিদায় দেন, আমি আমার কাজে থাকি সেখানে। মোহাম্মদ ইউনূস নে কাহা কে দূসরি সুরত মে মেরা কাম করনা মুশকিল হো জায়েগা। उन्होंने कहा कि अगर अकलियतों पर हमले बंद ना हुए तो मैं ओहदा छोड़ दूंगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डायरेक्ट बांग्लादेश के निगरान वजीर आजम मोहम्मद यूनस को वार्न कर दिया है कि वो बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं की सेफ्टी को एंश्योर करे। बांग्लादेश जितना डिपेंडेंट है इंडिया के ऊपर, हम तो ये सोच भी नहीं सकते। हम अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को यहाँ से शट डाउन कर लेंगे। अब पार्क सुजुकी मोटर्स की तरफ से एक स्टेटमेंट आ रही है कि 45 दिन से हमारी CKD किट्स यानी कम्प्लीटली नॉकडाउन किट्स को क्लियरेंस नहीं मिली है, तो हम कराची में मौजूद अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को प्रॉपरली शट डाउन कर देंगे। शेख हसीना हैज नॉट अप्लाइड फॉर असाइलम एनीवेयर, नॉट इन द UK, नॉट इन फिनलैंड एंड नॉट इन वेस्ट एशिया। दैट्स व्हाट ही सेज। She's not going anywhere. Instead, she plans to return to Bangladesh. तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा, यूनस साहब से पूछना चाहूंगा कि आप कहां से आए? वहां से आउट हो गई। तो उस वक्त उनका ये कहना था उसके बाद कि उनकी मदर अब कभी भी बांग्लादेश वापस नहीं जाएंगी, लेकिन अब उन्होंने एक यू टर्न लिया है और अब वो ये कह रहे हैं कि उनकी मदर यानी शेख हसीना बांग्लादेश वापस जाएंगी। कहा है कि उनकी मदर बांग्लादेश वापस जाएंगी। क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है? क्या ऐसा हो सकता है? और शेख हसीना, जिनके बारे में ये पता चला था कि अब वो कभी भी वापस बांग्लादेश नहीं जाएंगी और अब उन्होंने सियासत छोड़ दी, तो ये यू टर्न सामने क्यों आ रहा है? आइए ज़रा इस पर बात किए लेते हैं। शेख हसीना के बेटे साजिब, जो कि इस वक्त मीडिया से बात करते हुए नज़र आ रहे हैं एक तरीके से, वो तो उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो और पाकिस्तानी लोगों का रिएक्शन वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सोशल मीडिया रिएक्शन को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।